हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 12th चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 9। लेट स्टार बी ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट क्यू ऑफ रेशनल नंबर्स एज फॉलोस। ओके, ये जो पार्ट दिए हुए हैं हमें क्या करना है, चेक करना है कि ये बाइनरी ऑपरेशन को फॉलो करते हैं या नहीं। फर्स्ट पार्ट इसका दिया हुआ है ए स्टार बी इक्वल्स टू ए माइनस बी। ओके, हमने आपको क्या समझाया हुआ है पहले समझ लें। हमने टू लॉ बताए थे, कम्यूटेटिव लॉ क्या था आपका, ए स्टार बी इक्वल्स टू बी स्टार ए, और दूसरा क्या था, एसोसिएटिव लॉ। इसमें क्या था, ए स्टार बी स्टार सी इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार ऑफ सी ओ आर, और ए स्टार बी स्टार ऑफ सी इक्वल्स टू ए स्टार ऑफ बी स्टार ऑफ सी, ये था। ओके, चलिए इसको चेक करते हैं इसका सॉल्यूशन। ए स्टार बी इक्वल्स टू ए माइनस बी। अब देखिए फॉर कम्यूटेटिव लॉ कम्यूटेटिव के लिए क्या होना चाहिए, ए स्टार बी इक्वल्स टू बी स्टार ए। अकॉर्डिंग टू ए स्टार बी, ए माइनस बी इक्वल्स टू बी माइनस ए, तो इसमें कोई वैल्यू हम ले सकते हैं, पुट ए इक्वल्स टू 1 और बी इक्वल्स टू 2। रेशनल नंबर बोला है तो 1 और 2 ले सकते हैं हम। तो देखिए 1 माइनस 2 इक्वल्स टू 2 माइनस 1, तो कितना आ गया ये, माइनस 1 इक्वल्स टू 1, दिस इज़ नॉट इक्वल। ओके, ये वैल्यू इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये वैल्यू इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ, सो स्टार इज नॉट फॉलो कम्यूटेटिव। ओके, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, दिस इज नॉट कम्यूटेटिव ऑपरेशन। ओके, अब हम चेक करते हैं एसोसिएटिव। अभी हमने कम्यूटेटिव चेक किया है, अब हम चेक करते हैं एसोसिएटिव। देखिए फॉर एसोसिएटिव देखिएगा, इसमें क्या था, ए स्टार बी स्टार ऑफ सी इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार ऑफ सी, तो यहाँ भी पुट कर दीजिएगा वैल्यू, पुट ए इक्वल्स टू 1 बी इक्वल्स टू 2 सी इक्वल्स टू 3। ओके, 1 स्टार ऑफ 2 स्टार ऑफ 3, 1 स्टार ऑफ 2 स्टार ऑफ 3। ओके, 1 इसका मतलब क्या हुआ, ए माइनस बी यानी 1 माइनस 2 स्टार ऑफ 3, 1 स्टार ऑफ 2 माइनस 3। ओके, 1 माइनस 2, तो 1 माइनस 2 कितना हुआ बेटा, माइनस 1 स्टार ऑफ 3, 1 स्टार ऑफ माइनस 1। ओके, माइनस 1, अब देखिए चेक करते हैं हम, 1 स्टार ये, तो माइनस 1 माइनस 3 हो गया, 1 माइनस माइनस 1, तो ये हो गया माइनस 4, ये हो गया माइनस माइनस प्लस, 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2, यानी क्या आ गया, माइनस 4 इज नॉट इक्वल्स टू 2, ये इक्वल वैल्यू नहीं आ रही है, सो क्या लिखा जाएगा, स्टार इज नॉट एसोसिएटिव, स्टार इज नॉट एसोसिएटिव। ओके, दिस इज माई राइट आंसर। ये हमने कर दिया आपका फर्स्ट पार्ट, अब देखते हैं सेकेंड पार्ट। देखिए बेटा सेकेंड पार्ट, ए स्टार बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए सबसे पहले हम चेक करते हैं फॉर कम्यूटेटिव, तो इसके लिए क्या करना होगा हमें,
ए स्टार बी इक्वल्स टू बी स्टार ए, ओके चेक करना है। तो ए स्टार बी क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू बी स्टार ए, तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर ए स्क्वायर, ओके। अब यहाँ वैल्यू पुट कर लो, पुट ए इक्वल्स टू वन बी इक्वल्स टू टू, ओके। देखिए वैल्यू पुट करते हैं हम, ए की वैल्यू वन, वन का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर, ऐसे ही यहाँ बी की वैल्यू टू का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, तो वन प्लस फोर, फोर प्लस वन कितना आ गया बेटा, फाइव आ गया, इधर भी फाइव आ गया, ओके। फाइव इक्वल आ रही, दोनों साइड इक्वल आ रही, सो इसका मतलब क्या हुआ, स्टार इज कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव, ओके, स्टार इज कम्यूटेटिव, ओके। अब हम चेक करते हैं फॉर, इधर ही कर देते हैं, देखिए ये सेकंड पार्ट का, फॉर एसोसिएटिव, इसके लिए देखिए ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी ऑफ स्टार सी, ओके। अब वैल्यू यहाँ भी पुट कर लेते हैं, हम यहाँ लिखते हैं पुट ए इक्वल्स टू वन बी इक्वल्स टू टू सी इक्वल्स टू थ्री, ये रेशनल नंबर है, कोई भी वैल्यू आप और भी ले सकते हैं, हमने ये ले ली है, ओके। चलिए देखिए इसको चेक करते हैं, वन स्टार ऑफ टू स्टार ऑफ थ्री, वन स्टार ऑफ टू स्टार ऑफ थ्री, तो वन स्टार ऑफ ए स्टार बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो टू का स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर, ओके। ऐसे ही वन का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर स्टार ऑफ थ्री, अब देखिए वन स्टार ऑफ टू का स्क्वायर फोर, थ्री का स्क्वायर नाइन, फोर और नाइन कितना हुआ थर्टीन, फोर और नाइन थर्टीन, ओके। अब देखिए इधर वन का स्क्वायर वन, टू का स्क्वायर फोर, फोर और वन फाइव, फोर और वन फाइव, फाइव स्टार ऑफ थ्री। अब इसका करिएगा स्टार, ए स्टार बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वन का स्क्वायर प्लस थर्टीन का स्क्वायर, इधर फाइव का स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर, ओके। अब देखिए वन का स्क्वायर वन, थर्टीन का स्क्वायर वन सिक्सटी नाइन, तो वन सेवेंटी आ गया, इधर इधर हो गया ट्वेंटी फाइव और नाइन, ट्वेंटी फाइव और नाइन कितना हुआ थर्टी फोर। देखिए क्या इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा है ये इक्वल, तो क्या लिख देंगे, सो स्टार इज नॉट एसोसिएटिव, स्टार इज नॉट, इज नॉट एसोसिएटिव, एसोसिएटिव, ओके। ये आपका सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है, अब देखते हैं चलिए इसका थर्ड पार्ट क्या है, इसका थर्ड पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नाइन का ये थर्ड पार्ट है, ए स्टार बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर। चलिए सबसे पहले चेक करते हैं फॉर किसके लिए, कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ क्या था आपका, ए स्टार बी इक्वल्स टू बी स्टार ए होना चाहिए, ओके। यहाँ लिखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू बी माइनस ए का होल स्क्वायर, वैल्यू पुट कर दीजिएगा, पुट ए इक्वल्स टू वन बी इक्वल्स टू टू, ओके। रेशनल नंबर लिया हमने, तो वन माइनस टू का होल स्क्वायर, टू माइनस वन का होल स्क्वायर, तो माइनस वन का होल स्क्वायर, वन का होल स्क्वायर, तो वन इक्वल टू वन, ओके। दोनों साइड इक्वल आ गई, सो स्टार इज कम्यूटेटिव, ओके। ये हो गया इसका, अब देखिए इसका एसोसिएटिव चेक करते हैं, फॉर एसोसिएटिव इसके लिए क्या था बेटा, ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, ओके। चलिए देखते हैं, देखिए बेटा यहाँ वैल्यू पुट करते हैं हम, ए इक्वल टू वन बी इक्वल टू टू सी इक्वल टू थ्री, पुट करिए इसमें, वन स्टार ऑफ टू स्टार ऑफ थ्री इक्वल्स टू, यहाँ पर वन स्टार ऑफ टू स्टार ऑफ थ्री, तो ए स्टार बी क्या दिया हुआ, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। चलिए देखिए वन स्टार ऑफ
टू माइनस थ्री का होल स्क्वायर, वन माइनस टू का होल स्क्वायर स्टार ऑफ थ्री, वन स्टार ऑफ टू माइनस थ्री यानी माइनस वन का स्क्वायर, माइनस वन का स्क्वायर स्टार ऑफ थ्री। तो ये वन स्टार ऑफ वन इक्वल्स टू वन स्टार ऑफ थ्री, तो वन माइनस वन का होल स्क्वायर, वन माइनस थ्री का होल स्क्वायर, ये आ गया माइनस वन यानी जीरो इक्वल्स टू, ये आ गया माइनस टू का स्क्वायर यानी फोर, दिस इज नॉट इक्वल। ओके, सो स्टार इज नॉट फॉलो एसोसिएटिव। ओके, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है ये। चलिए देखते हैं, थर्ड पार्ट हो गया, फोर्थ पार्ट। देखिए बेटा, ये जो पार्ट था आपका, ये नाइन पार्ट, नाइन का ये थर्ड नहीं है, ये फोर्थ पार्ट है बेटा। कौन सा पार्ट है ये? फोर्थ पार्ट। चलिए नाइन का थर्ड पार्ट देखते हैं। नाइन का थर्ड पार्ट क्या है बेटा? देखिए थर्ड पार्ट ये है बेटा, वो था फोर्थ वाला पार्ट, ठीक है, करेक्शन कर दिया हमने। इसको देखिएगा, ये है आपका थर्ड पार्ट फॉर। अब देखिए चेक करते हैं, कम्यूटेटिव ए स्टार बी इक्वल्स टू होना चाहिए बी स्टार ए। ओके, चलिए ए स्टार बी क्या है? ए प्लस ए बी, यहाँ होगा बी प्लस ए प्लस ए बी, बी प्लस बी ए, यही तो होगा। चलिए पुट करता हूँ, ए इक्वल्स टू वन बी इक्वल्स टू टू। तो देखिए वन प्लस वन इंटू टू, टू प्लस टू इंटू वन, वन प्लस टू इक्वल्स टू टू प्लस टू, थ्री इज नॉट इक्वल टू फोर। ओके, सो स्टार इज नॉट कम्यूटेटिव। ओके, ये हो गया हमारा कम्यूटेटिव लॉ। अब देखते हैं एसोसिएटिव। आप देखिए फॉर एसोसिएटिव, इसके लिए ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। पुट करें, ए इक्वल्स टू वन बी इक्वल्स टू टू सी इक्वल्स टू थ्री, ये वैल्यू पुट करना है। तो वन स्टार ऑफ टू स्टार ऑफ थ्री, वन स्टार ऑफ टू स्टार ऑफ थ्री। ओके, वन स्टार ऑफ ए स्टार बी क्या है? ए प्लस ए बी यानी टू प्लस टू इंटू थ्री, वन प्लस वन इंटू टू स्टार ऑफ थ्री, वन स्टार ऑफ टू प्लस टू, थ्री या सिक्स एट, ऐसे ही वन प्लस टू यानी थ्री, थ्री स्टार ऑफ थ्री। अब यहाँ देखिए ए प्लस वन इंटू एट, थ्री प्लस थ्री इंटू थ्री, तो वन प्लस एट कितना हुआ? थ्री प्लस नाइन यानी नाइन इक्वल्स टू ट्वेल्व, इज नॉट इक्वल्स टू ट्वेल्व हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? सो स्टार इज नॉट एसोसिएटिव, ठीक है, इज नॉट एसोसिएटिव। क्वेश्चन नंबर थर्ड फोर्थ हो गया। अब थर्ड फोर्थ पार्ट हो गया नाइन का, अब देखते हैं फिफ्थ पार्ट। चलिए फिफ्थ पार्ट देखते हैं फॉर कम्यूटेटिव लॉ, चेक करेंगे। ए स्टार बी इक्वल्स टू बी स्टार ऑफ ए, तो इसको चेक करने के लिए हमें क्या चाहिए? ए बी अपॉन फोर इक्वल्स टू बी ए अपॉन फोर। पुट, ए इक्वल्स टू वन बी इक्वल्स टू टू, ये पुट करना है इसमें। तो देखिए वन इंटू टू अपॉन फोर, टू इंटू वन अपॉन फोर, तो वन अपॉन टू इक्वल्स टू वन अपॉन टू इक्वल आ गया। सो क्या बोल देंगे हम? बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज कम्यूटेटिव। ओके, अब चेक करते हैं एसोसिएटिव। फॉर एसोसिएटिव ए स्टार बी स्टार ऑफ सी, इसको ऐसे लिख दो स्टार ऑफ सी। ओके, ए स्टार ऑफ बी स्टार ऑफ सी, ठीक है। तो ए इक्वल्स टू वन बी इक्वल्स टू टू
सी इक्वल्स टू 3, ये हमने पुट किया इसमें। चलिए देखिए, 1 star of 2 star of 3, 1 star of 2 star of 3, तो ए स्टार भी ए बी अपॉन 4, यानी 1 into 2 upon 4 स्टार ऑफ 3, 1 star of 2 into 3 upon 4, ओके कितना आ गया, 1 upon 2 star of 3, 1 star of 2 2 जा 4 3 upon 2, ओके। अब यहाँ पर लगाइएगा, नीचे तो 4 आएगा, ऊपर आएगा a into b, 1 upon 2 into 3, ऐसे ही 1 into 3 upon 2, ओके। अब इसको सॉल्व करना है तुम्हें, तो कितना आ गया, अगर इसको हम कट कर देते हैं तो ये आ गया 3 upon 2 equals to 3 upon 2, LHS equals to RHS, hence इसका मतलब क्या हुआ, स्टार इज एसोसिएटिव, ओके। स्टार कैसा होगा, ये एसोसिएटिव। क्वेश्चन 5th पार्ट कंप्लीट होता है स्टूडेंट, इसका लास्ट 6th पार्ट बचा हुआ है, ये आप खुद करेंगे होमवर्क में, क्योंकि बहुत ही इजी हो गया, मैंने सारे पार्ट आपको करवा दिए हैं। और यदि क्वेश्चन आपके समझ में आया हो, पार्ट समझ में आया हो, तो 6th पार्ट आप खुद करिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, नए स्टूडेंट जो जुड़े हुए हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बाईसी क्लासेस बाय DSR चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।